आज हम हैं 17 सेक्टर प्लाजा मार्केट चंडीगढ़। ये सुबह के 8 बजे का व्यू है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी चेयरफुल मार्केट होती है दिन में। वैसे बेसिक वीडियो आज ये छोटा सा है चंडीगढ़ की स्मार्ट बाइक के ऊपर। ये देखिए ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाई गई हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है, प्लस में इसके साथ जो सिंपल साइकिल होती है वो भी है। ये चंडीगढ़ में अलग अलग काफ़ी जगह पे डॉकिंग स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इनको डेली सुबह चार्ज करके खड़ा कर दिया जाता है डॉकिंग स्टेशन पे, और वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये है, एक डॉकिंग स्टेशन से उठा के आप किसी दूसरे अपने जो आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे इसको ड्रॉप कर सकते हैं और आपके अकाउंट से इसका पैसा कट जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको अपने प्ले स्टोर से स्मार्ट बाइक करके एक ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, उसमें आपको अपने आईडी प्रूफ वो अपलोड करने पड़ेंगे जो कि चंडीगढ़ के होने चाहिए, और उसके वॉलेट में या फिर पेटीएम के थ्रू आप उसके पैसे कट सकते हैं। इसका 30 मिनट का चार्ज है 10 रुपये, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। काफ़ी सारे डॉकिंग स्टेशन बने हुए हैं, करीब 1500 से 2000 के आसपास ये साइकिलें पूरे चंडीगढ़ में अलग अलग डॉकिंग स्टेशन पे लगाई गई हैं। ये देखिए जो ये स्मार्ट बाइक है ये है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें ये हाफ पैडल है और हाफ इलेक्ट्रिक है, ताकि जैसे थोड़ा सा उम्र दराज लोग हैं या फिर जो वैसे ही फन के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो इसे कर सकते हैं, और जो बेसिक साइकिल है उसमें वो पूरा पैडलिंग पे है। चलिए अब इसकी छोटी सी एक राइड लेके आते हैं। शायद आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, ये इसकी मोटर चलने की आवाज़ है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ राइड है, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है आप अपने घर से चलिए, जितना आपका पेट्रोल लगेगा उतने में तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह के डॉकिंग स्टेशन बने हुए हैं यहाँ पे हर जगह, ये इसका एक वन ऑफ देम डॉकिंग स्टेशन है। चंडीगढ़ की भीड़ भाड़ को देखते हुए इस तरह के ये इनिशिएटिव लिए गए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। पहले इससे पहले ये दिल्ली मुंबई में भी चलते थे काफ़ी, योलो नाम से, लेकिन चंडीगढ़ में ये स्मार्ट बाइक के नाम से हैं। सबसे बेनिफिशियल ये लगा कि जितने में आप अपनी गाड़ी बाइक निकालेंगे कहीं दूसरी जगह पार्क करेंगे उतने में तो आप अपने डेस्टिनेशन पर अपनी जॉब पर जहाँ पर आपको जाना पहुँच भी जाएंगे। बेनिफिट ये है आपका पेट्रोल का पैसा बच गया, आपको मेरे ख्याल से पेट्रोल में भी आधे घंटे अगर आप बाइक चलाएंगे एक लीटर पेट्रोल तो वैसे ही लग जाएगा, और आधे घंटे बाइक में इसमें 10 रुपये में आप आराम से पहुंच जाएंगे। ये 17 प्लाजा मार्केट है, काफ़ी फेमस है यहाँ की। अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। चंडीगढ़ का फेमस मटका चौक, ये आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा मेरे डैड की मारुति जो मूवी थी उसमें जो फिल्म का हीरो था वो यहीं पे रेलिंग पे बैठा हुआ था, और सामने ये मटका चौक है। उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये है ताज होटल, ये है इलेक्ट्रिक बस, यहाँ पे आगे जाके सभी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो बिल्डिंग्स हैं। सबसे अच्छी बात चंडीगढ़ की यहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ता, लोग अपने आप ही रूल फॉलो करते हैं। आपको एक और ख़ास बात बता दूँ,
चंडीगढ़ में साइकिल चलने वालों की, साइकिल चलाने वालों की, पैदल चलने वालों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, साइकिल के लिए स्पेशली लेन बनाई गई है पूरे चंडीगढ़ में, मार्किंग की गई है, काफ़ी अच्छी लेन है। इस लेन के अंदर अगर कोई व्हीकल चलता है, गाड़ी या बाइक, उस पर चलान भी है। और ये देखिए, पैदल वालों के लिए फुटपाथ अच्छे से मेंटेन किया गया है, दैट्स वाई चंडीगढ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। चंडीगढ़ की सुखना लेक, इसका ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद किसी दिन डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे। दिन में तो काफ़ी क्राउडेड हो जाती है, सुबह सुबह काफ़ी अच्छा माहौल होता है। अगर घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके एक ही जगह पे आने पे आपके दो तीन डेस्टिनेशन कवर हो जाते हैं। जैसे अभी आपने लेक देखी, उसके बाद ये देखिए मेरे राइट साइड में आपको बर्ड पार्क दिखाई देगा। ये अभी अभी न्यूली बिल्ट है, काफ़ी अच्छे इसमें स्पीशीज रखे गए हैं बर्ड्स के। आप यहाँ पे इस ये बर्ड पार्क को ही कवर कर सकते हैं। और इसी रोड पे आगे जाके आपको रॉक गार्डन मिलेगा। ये सारा करीब टोटली 500 मीटर के एरिया में सब कुछ कवर हो जाता है, तो इसलिए आपको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके तीन चार डेस्टिनेशन तो यहीं पे कवर हो जाएंगे। ये आ गया मेरा डॉकिंग स्टेशन, मैंने यहीं से बाइक को कलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो देखिए वो खड़ी। और ये भी उसी रोड पे है, सुखना लेक और उसके बाद बर्ड सेंचुरी, उसके बाद ये अभी है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन के बाहर का व्यू है, किसी स्पेशली रॉक गार्डन का एक हम टूर लेंगे। ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अब इसको लॉक करते हैं और घर चलते हैं। Now it's time to go home. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टेक केयर।